सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूं कि आप इस तरीके का डीजे स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। और इस तरीके का स्टेटस वीडियो बनाने से पहले आपको करना क्या होगा, अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं अपने चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। और हाँ फ्रेंड्स, आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो यार इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और मैं अपने स्टेटस को बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज करता हूँ वो सारा मटेरियल के लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना होगा और आपको 9:16 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है, एडिटिंग में क्लिक करना होगा और आपको इसे कर देना है फिल स्क्रीन। और इसका टाइमिंग को गैस आपको खुद इस जगह पर इसे रख लेना है, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपको अपना कुछ इमेज को ऐड कर लेना है, जिस इमेज का आप स्टेटस बनाना चाहते हैं। तो मैं अपने कुछ इमेज को ऐड कर लेता हूं, तो आपको भी कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ अपने फोटो को सिलेक्ट कर लिया है, तो आपको भी कर लेना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने वीडियो को इस तरीके से आपको इसे जूम कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, आपको अपने सभी इमेज पर आपको क्लिप ग्राफिक्स ऐड करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है, आपको साइड में एक ऑप्शन मिलता है क्लिप ग्राफिक्स का, क्लिप ग्राफिक्स के ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा और आपको इस ग्राफिक्स को डाउनलोड करना है इन एनिमेशन। तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको नीचे एक ऑप्शन मिला गेट मोर का, आपको गेट मोर का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपको इस ग्राफिक्स को डाउनलोड कर लेना है। तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको दिखा देता हूँ, आपको इस ग्राफिक्स को आपको ऐड कर लेना है, जो आपका 33 नंबर है आपको उस ग्राफिक्स को ऐड कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको दूसरे इमेज पर क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स को ऑप्शन में क्लिक करना है, फिर से गाइस आपको उसी ग्राफिक्स में आपको एंटर करना होगा और आपको उसी नंबर वाले ग्राफिक्स को आपको ऐड कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो आपको सभी इमेज पर इसी ग्राफिक्स को आपको ऐड कर लेना, तो आप कर लीजिए, हम भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अपने सभी इमेज पर क्लिप ग्राफिक्स ऐड कर लिया है, तो आपको भी कर लेना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपको सेव कर लेना है। तो आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना होगा और आपको अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो हम अपने वीडियो को सेव होने देते हैं, तो आपको भी अपने वीडियो को सेव कर लेना है, एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस, हमारा वीडियो सेव हो रहा है, तो गाइस हमारा जो वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बैक आ जाना है अपने काइन मास्टर के होम स्क्रीन पर। इसके बाद आपको फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना होगा और आपको 9:16 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और आपको ब्लैक वाला बैकग्राउंड इनपुट कर लेना है, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है और इसके लेंथ को खींच के कुछ इतना आपको इसे बढ़ा लेना है। फिर गाइस आपको स्टार्टिंग पर आना होगा, लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको अपने ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेना है। तो गाइस हमारा ग्रीन स्क्रीन वीडियो आ चुका भी आप देख पा रहे होंगे, तो मेरा जो बैकग्राउंड का जो फालतू पार्ट है मैं उसे कट कर लेता हूं। तो आपको अपने बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है, कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर लेना है, तो आपका जो पीछे का फालतू पार्ट है वो कट के हट जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने ग्रीन स्क्रीन वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और आपको इसे फुल स्क्रीन में एडजस्टमेंट कर लेना है, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, आपको देख लेना है कि आपके वीडियो पर ग्रीन स्क्रीन वीडियो किस जगह पर आ जाता है। तो जैसा कि मेरे इस जगह पर ग्रीन स्क्रीन वीडियो आ जाता है, तो आपको क्या करना होगा, आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना होगा और अभी अपने जिस वीडियो को एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को ऐड कर लेना है। तो ये गाइस हमारा वीडियो आ चुका भी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसे खिसका लेना कुछ इस तरीके से, आप देख लीजिएगा, एंड आपका इस जगह पर ग्रीन स्क्रीन वीडियो हट जाता है। तो आपको कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे गाइस आपको कर देना है ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट, तो इसका जो पीछे का फालतू पार्ट वो कट के हट जाएगा। इसके बाद आपको फिर से आगे खिसका के देख लेना है, एंड गाइस आपका इस जगह पर ग्रीन स्क्रीन वीडियो आ जाता है। फिर से आपको क्या करना है, लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको फिर से अपने वीडियो को ऐड कर लेना है। तो हमारा वीडियो आ चुका है, फिर आपको आगे खिसका लेना होगा, एंड गाइस आपका इस जगह पर ग्रीन स्क्रीन वीडियो हट जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको इसे कर देना स्प्लिट एट प्लेट कुछ इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको फिर से देख लेना है कि आपके वीडियो पर ग्रीन स्क्रीन वीडियो किस जगह पर आ जाता है। तो इस जगह पर आ जाता है, फिर आपको क्या करना होगा, आपको फिर से उसी तरीके से आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको अपने वीडियो को आपको ऐड कर लेना है। तो गाइस हमारा वीडियो आ चुका है और इसके पीछे का जो फालतू पार्ट आपको कट कर लेना है। तो इस जगह पर हमारा ग्रीन स्क्रीन वीडियो हट जाता है। तो आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करके कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करना है,
ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और आपको अपने वीडियो को फुल स्क्रीन में एडजस्टमेंट कर लेना कुछ इस तरीके से। फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है, फिर से आपको इस वीडियो पर क्लिक करना है, स्क्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, फुल स्क्रीन में एडजस्टमेंट कर लेना है। तो आपको इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको अपने ग्रीन स्क्रीन वीडियो के ऊपर क्लिक करना होगा। थ्री डॉट को ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इसे कर देना है ब्रिंग टू फ्रंट कुछ इस तरीके से। तो कर लीजिएगा और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा क्रोमा की का, क्रोमा की को ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसे इनेबल कर देना है और आपका जो की कलर होगा वो गाइस ग्रीन कलर होगा। तो सिलेक्ट कर लीजिएगा और आपको सिलेक्ट करके टिक पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से स्टार्टिंग पर आना होगा, लेयर को ऑप्शन पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना होगा, एक आपको इमेज को ऐड कर लेना है, तो उसे भी हम ऐड कर लेते हैं। तो ये गाइस हमारा इमेज आ चुका है, आपको इसे फुल स्क्रीन में एडजस्टमेंट कर लेना जूम करके इस तरीके से, और इसके लेंथ को आपको वीडियो के एंड तक रख लेना कुछ इस तरीके से, इतना आपको कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, आपको फिर से स्टार्टिंग पर आना होगा, स्टार्टिंग पर आने बाद आपको क्या करना है, आपको लेयर को ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा, एक आपको टेक्स्ट पीएनजी को इनपुट कर लेना है, तो उसे भी हम इनपुट कर लेते हैं। तो गाइस हमारा स्क्रीन पर आ चुका, आप इसे हल्का जूम कर लीजिएगा और आपको इस जगह पर इस तरीके से इसे एडजस्टमेंट कर लेना है। एडजस्टमेंट करने के बाद इसके लेंथ को आपको वीडियो के एंड तक रख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको फिर से स्टार्टिंग पर आना है, लेयर को ऑप्शन पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको अपना वीडियो इफेक्ट को ऐड कर लेना है, तो उसे हम ऐड कर लेते हैं। तो गाइस हमारा वीडियो इफेक्ट आ चुका, सबसे पहले आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन में एडजस्टमेंट कर लेना है, टिक पर क्लिक करना होगा, ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इसे कर देना स्क्रीन। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, इसका जो पीछे का फालतू बेड आपको कट कर लेना है, तो आपको कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे कर देना ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेड। इसके बाद आपको फिर से स्टार्टिंग पर आना होगा, लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको अपना फ्रेम पीएनजी को ऐड कर लेना है, तो उसे हम ऐड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा फ्रेम पीएनजी आ चुका, आपको इसे फुल स्क्रीन में एडजस्टमेंट कर लेना है और इसके लेंथ को आपको वीडियो के एंड तक रख लेना है। तो फाइनली हमारा जो स्टेटस वो गाइस बन के तैयार हो चुका है, तो इसे मैं अभी एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो स्टेटस है वो किस तरीके से बन के तैयार हुआ है। गाइस आपने देखा कि हमारा जो स्टेटस है वो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है, तो आप भी अपना इस तरीके का स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। तो आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आज का आपको वीडियो पसंद आता है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब आपको क्या करना होगा, अपने वीडियो को सेव करने के लिए आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना होगा और आपको अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है जिस क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सो गाइस आपको इस ऑप्शन में क्लिक कर देना, आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।